हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम टू स्टडी सोशल साइंस। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत ही बड़ी इस वक्त जो आप सब के लिए गुड न्यूज़ है वो ये है कि जेके पीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। आज ही नोटिफिकेशन आया है और 91 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है। पूरा हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे कैसे अप्लाई करना है, कब इसका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, कौन सी वैकेंसी है, कौन से डिपार्टमेंट में है। सिलेबस हम इस वीडियो में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे सिलेबस क्या है। और इसके बाद इंशाल्लाह आपके सामने एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम इसका पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ में ही जो भी इस एग्ज़ाम के लिए जो भी बेस्ट रिसोर्सेज होंगे, जो भी बेस्ट बुक्स आपको मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड कर दूँ। बहुत ही अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छा पे स्केल होता है इसका, वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये भी बता दूं कि अभी अभी ईद का जो है अनाउंस हो चुका है, कल आज ही इनफैक्ट ईद है। मैं रात के 2 बजे 1 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूँ। सो आज ही आप ईद होगी, ईद उल फित्र। सो आप सबको ईद मुबारक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जेके पीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको बता दूँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसको अब डाल दूंगा, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ही आपको ये भी बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने इससे पहले जो है सिलेबस डिस्कशन जो पटवारी है उसका पूरा जो मटेरियल है वो अवेलेबल है। आप वीडियो जाके देखें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप स्टडी सोशल साइंस, वहाँ से आप जो है मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी वहाँ पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा और जो भी स्टडी मटेरियल इसके रिलेटेड है वो आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन सब्जेक्ट फिलिंग अप अ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। सो असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में है। रेफरेंस ये डिपार्टमेंट लेटेस्ट का नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, डेटेड नोटिफिकेशन नंबर 5 पीएससी ऑफ 21 का है ये डेट, बिल्कुल जो है 11 तारीख की डेट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड आर इनवाइटेड फ्रॉम एप्लीकेंट्स हु आर डोमिसाइल्ड। आपको डोमिसाइल होना पड़ेगा, प्रोसेसिंग प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये आप यहाँ पे देखेंगे सारा, ठीक है डिटेल में। तो इम्पोर्टेंट जहाँ तक इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, तो इम्पोर्टेंट टुगेदर विद द इंस्ट्रक्शन फिलिंग विल बी अवेलेबल एट द वेबसाइट। आपको 17 तारीख से इसके फॉर्म जो है लिंक ओपन हो जाएगी, आप 17 से इसका फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएगा इसका। आप 17 तारीख से इसका फॉर्म फिल जो है कर सकते हैं। प्रिस्क्राइब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ओके, द लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपकी 16/6 तक रहेगी, ठीक है। बिल्कुल 1 महीने का टाइम मिल जाएगा आपको, 17/5 से लेके 16/6 तक आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। गाइज ये भी बता दूं आपको कि ये जेके एसएसबी की तरह नहीं है, इसमें जो लास्ट डेट होती है रेयरली इसमें जो है लास्ट डेट एक्सटेंड होती है। सो इस डेट से पहले ही आप अपना फॉर्म जो है फिल करें। यहाँ पे एज का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, 1 जनवरी 2021 तक आपकी एज क्या होनी चाहिए वो भी इसमें दिया हुआ है, वो हम आगे देखेंगे। इसमें अराउंड 40 आपकी जो है एज लिमिट है। साथ में ही आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है, टेंटेटिव डेट जो आपको दी है वो है 24/10/2021, 24 अक्टूबर को है ये डेट 2021, ठीक है। ये आपके रिटन एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने बताया बहुत अच्छी पोस्ट है, पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा पे स्केल है, बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। अगर वैकेंसीज की बात करूँ तो वैकेंसीज आपको डिटेल में यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पे जो है ओपन मेरिट में 46 वैकेंसीज है, आरबीए में 9 है, एससी एसटी में 8 और 9 है, ठीक है। टोटल वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस में 5 है, टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 91 वैकेंसीज
आपको यहाँ पे दी गई है। अगर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन की बात करूँ, मैंने पहले ही बताया है कि ग्रेजुएट्स इसमें सारे एलिजिबल हैं, लेकिन ग्रेजुएट्स अगर किसी एलिजिबल हो, ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल हैं, ठीक है, फॉर्म आप सब भर सकते हैं, एग्ज़ाम आप सब दे सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली आपके पास अगर कॉर्पोरेशन में डिप्लोमा है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा उसका। एज की मैंने बात की, एज जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि एज आपकी ओपन मेरिट में 40 है, PHC में आपकी 42 है, एंड RBA SC ST EWAS इस सब का जो है 43, और इन सेल्स कैंडिडेट्स का 40 यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है एज ऑफ 1/1 जो है जनवरी तक का, ठीक है। रिजर्वेशन आपको पता ही है कि इसका आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, डोमिसाइल होना पड़ेगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूँ तो जम्मू एंड कश्मीर में होना हो रहा है, तो दोनों जगह आपके जो है इसके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। तो यहाँ पे अगर फॉर सिक्योरिंग एंट्री इन टू सेंटर, ओके, ये आपको कैरी करने हैं, ये बाद की बात है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो तब की बात है। यहाँ पे जो फीस है आपकी, वो कैसे, फीस कैसी है आपको पता है? इसका फीस जो है JKPSC, मैंने इससे पहले भी बता दिया है कि फीस बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, 1000 रुपीज़ का जनरल कैटेगरी के लिए है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 फीस है, और PHC जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए निल यहाँ पे फीस रहेगी। तो 1000 फॉर जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 यहाँ पे फीस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सिलेक्शन वाइज 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक। तो रिटन एग्जामिनेशन की अगर बात करूँ तो रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 120 मिनट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और एग्जाम हैविंग 120 क्वेश्चंस, तो 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी, ये आपको ध्यान रखना है, 1/4 0.25 का आपको नेगेटिव मार्किंग भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जहाँ तक सिलेबस की बात है तो चलिए सिलेबस देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आप सबके लिए। तो सिलेबस जैसे आपको आने वाले JKPSS के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बिल्कुल कुछ वैसा ही सिलेबस है। तो देखते हैं क्या है, अगर जनरल नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स, तो कवरिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री इसमें होगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये आपका जनरल जो है नॉलेज का सेक्शन है। इसमें करंट अफेयर्स का भी है और आपका जनरल नॉलेज का भी सेक्शन रहेगा, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने होंगे, हिस्ट्री का जो आपका JKSS, अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है दी हुई हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो वही है कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ यूजेज इन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। इंडियन पॉलिटी, यहाँ पे पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस का एक और सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर, तो आपका यहाँ पे पूरा जो है एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, इसके बारे में मैं ऑलरेडी मटेरियल जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाउन आपको अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडर्न ट्रेंड इन पॉलिटिकल सिस्टम रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, स्टेट यूटी पॉलिटिक्स इन फेडरल स्ट्रक्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, ये आप अभी भी जो JKSSB का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है ये सारा उसमें दिया हुआ है सिलेबस। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट, ये यहाँ पे एक नया सेक्शन है जो इस जॉब के रिलेटेड है, ये आपको जो है सेपरेटली यहाँ पे दिया गया है, सो इसको आपको सेपरेटली करना होगा, जो भी इसके रिलेटेड मटेरियल होगा वो हम टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल कर देंगे। हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये भी यहाँ पे रिलेटेड है, उस पोस्ट के रिलेटेड जो सेक्शन है आपका वो यहाँ पे आपको ये दो सेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, इन दोनों के बारे में जो भी जो मटेरियल रहेगा वो हम ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कर लें।
टाइप्स ऑफ देन यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, फिर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, फार्मर्स कोऑपरेटिव, ये सारे जो है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव आते हैं। फिर जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आपको पढ़ना होगा, ये सारे आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा मैं वहाँ पे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट, क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज एंड रेगुलेटरी रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रोल ऑफ जो नाबार्ड है रोल, इसका रोल, एंड नेशनल कोऑपरेटिव जो NCDC है फॉर स्कीम्स इन कोऑपरेटिव सेक्टर, जनरल मेंटल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, कॉम्प्रहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसका भी आपको जो है पार्ट इसमें देखने को मिलेगा। सो ये बेसिक रहेगा, कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं होगा। फिर आपको इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में 25 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, उसमें क्वेश्चंस क्या होंगे वो आपको यही है जैसा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, उसी के रिगार्डिंग और पर्टिकुलरली जो आपकी पोस्ट है उसी के रिगार्डिंग आपके यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सो इंटरव्यू कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड इन इन एडिशन टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डोमेन नॉलेज स्किल्स, क्वेश्चन ऑन मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू पर्सनल, द इंटरव्यू टेस्ट इज इंटेंडेड टू जज द मेंटल, ठीक है। ये तो हर जो है इंटरव्यू में होता है, इसमें जो पर्टिकुलर वो आपको रहेगा कि सोशल ट्रेट्स एंड इज इंटरेस्टेड इन करंट अफेयर्स, सम ऑफ द क्वालिटीज टू बी जज आर मेंटल एंड अलर्टनेस, क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमिलेशन, क्लियर लॉजिकल एक्सपोजिशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, वेराइटी एंड डेप्थ, एबिलिटी फॉर सोशल क्वेश्चन एंड लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे टेस्ट की जाएंगी इंटरव्यू में, ठीक है। इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आपको इंटरव्यू अगर रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको इंटरव्यू में जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू भी अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे अगर प्रोविजन फॉर कंपेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ सब्सक्राइब यहाँ पे दिया गया है उन कैंडिडेट्स के लिए जो PHC वाले कैंडिडेट्स, या करना होगा कब अप्लाई करना होगा, ये आपको 17 से इसका लिंक ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया गया है कैसे आपको अप्लाई करना है और लास्ट डेट इसकी कब तक रहेगी, जैसे मैंने बता दिया है इसकी जो है डेट 17 को है, 19/6/21 इसकी जो है आपको फीस वगैरह सबमिट करनी है, एडिट जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वो आपको इस डेट तक करना है। तो ये है पूरी डिटेल्स, इसमें सारी डिटेल्स हमने दी देखी इसमें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें सिलेबस, वो हमने यहाँ पे थोड़ा ऐसा जो है कौन सी इसमें बुक्स या कौन से आर्टिकल्स, कौन से आपको जो है सोर्सेस से पढ़ना है, कौन सी अच्छी बुक्स है, कौन सी बेस्ट आपको रिकमेंडेड सोर्सेज होंगी यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट जो है JKPSC का आज का नोटिफिकेशन, 91 वैकेंसीज इसमें टोटल हैं। आप 17 तारीख से इसका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। तो चलिए, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।